से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम की परीक्षाओं पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऐसे 13,78,000 शिक्षक जुड़े हैं, उन्होंने अपना नामांकन कराया इस कोर्स के लिए, और लगभग पिछले 6-7 महीने से टीचिंग लर्निंग का कार्यक्रम चल रहा है। अब हम ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहां हमारा पहला टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, और इस परीक्षा को बहुत ही सुगम तरीके से कार्यरत करने के लिए और बहुत ही स्मूथ एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए हम सभी आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। इसी सिलसिले में हमने इस कार्यक्रम को शुरू करा है कि आज हम ये विशेष चर्चा परीक्षा के ऊपर ही करेंगे। परीक्षा कैसे देना है, क्या करना है, कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, और आपने उसकी कैसे तैयारी करनी है परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए, ऑल दीज आई थिंग्स विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस डिस्कशन। आपके हॉल टिकट जो कि आवश्यक है कि आप उसे अपने हमारे पोर्टल से डाउनलोड करें, उसे इसका एक प्रिंट निकालें और वो प्रिंट लेकर के आप परीक्षा के लिए जाएंगे। ये परीक्षा की तिथि 31 मई, 1 जून और 2 जून को रखी गई है। आप सभी इससे परिचित हैं, और ये सारे हॉल टिकट्स अपलोड हुए हैं, और सारे टीचर्स से मैं अनुरोध करूंगा वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें, और अपने जो आई कार्ड पहले आपको दिया गया था उसके साथ ही वहां पे आप पहुंचेंगे। और सारी तैयारियां हमारी ओर से हो चुकी है, NIOS की ओर से हो चुकी है। ये पहला मौका है जब हम लोगों ने परीक्षा आयोजित की है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। कई बार हम लोग परीक्षा कराएंगे और आपको कई बार मौका लगेगा परीक्षा लिखने का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो लोग पूछना शुरू कर दीजिए, फोन करिए। हमारा टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है 1800-180-2543। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है वो ज्यादा जरूरी है, हम उसका उत्तर पहले देना चाहेंगे। जो हम आप लोगों से आज साझा करना चाहेंगे वो ये है कि डीएलएड की परीक्षा पहले तीन विषयों की 501, 502 और 503 की पहली बार आयोजित की जा रही है, लेकिन आपको दो और मौके मिलेंगे जब आप ये परीक्षा लिख पाएंगे। तो घबराइए मत कि किसी कारण से अगर परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए या आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपका अटेंडेंस कम हो गया है इसलिए आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दो और ऐसे मौके मिलेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि किस दिन कहां पर परीक्षा है। ये सारी सूचना वेबसाइट पर डाली जा चुकी है, तो आप अपना हॉल टिकट प्रिंट करें, तैयारी करें और परीक्षा में जाने के लिए अपनी पढ़ाई करें। तो तीन ही दिन तो परीक्षा देनी है, थोड़ा कष्ट उठाइए। अगर दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र है तो वहां जाकर के आप रह सकते हैं और अपनी परीक्षा दे सकते हैं। थोड़ा फायदा यह होगा कि अकेले में ज्यादा पढ़ाई कर सकेंगे। प्लीज कॉल अस, वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर स्लाइटली लेटर। तो प्रश्न पत्र कैसा होगा, कितने प्रश्न लॉन्ग आंसर होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, इसकी चर्चा हम क्वेश्चन में करेंगे, तो इंतजार करिए। लेकिन तीनों विषय की परीक्षा जो आपको देनी है ये आप पढ़ चुके हैं, टीएमए भी आपने लिखा है, तो आपकी तैयारी एक तरह से हो चुकी है, आप ज्यादा घबराए नहीं। और मान लीजिए किसी कारण से आपकी परीक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई, तो आपको हम लोग जुलाई के महीने में या अगस्त में जब दूसरे सेमेस्टर का 504 और 505 की परीक्षा होगी तो दोबारे 501, 502, 503 की परीक्षा देने का मौका देंगे। सबसे जरूरी है कि आप अपनी परीक्षा
परीक्षा बिल्कुल ईमानदारी से लिखें, किसी भी तरह का अनफेयर मींस एडॉप्ट मत करिए। हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि आप किसी और की कॉपी से तो नहीं मिल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों कैंडिडेट्स को हम लोग फेल करेंगे, और अगर लार्ज स्केल ऐसे आंसर एक जैसे मिले तो हम लोग FIR भी कराएंगे, सेंटर सुपरिंटेंडेंट के अगेंस्ट भी करेंगे और कैंडिडेट्स के अगेंस्ट भी करेंगे। कॉपी करना उतना ही अपराध है जितना उसमें मदद करना है। हाँ प्लीज फोन लेते हैं। जी बताइए। पूछे प्लीज। और जितना रेफरेंस ये है कि हमारे हमें के साथ क्या क्या ले जाना है, इसके अलावा फोटोग्राफ ले जाना है या फिर कुछ फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है? नहीं अभी कुछ भी नहीं लेके जाना है, तो क्या ले जाना है? आपने अपना हॉल टिकट आप डाउनलोड कीजिए पोर्टल से, और साथ में अपना आई कार्ड जो पहले आपने निकाला होगा, सिर्फ आई कार्ड, और अभी जो हॉल टिकट है जिसमें आपके फोटो ऑलरेडी लगे हुए, कोई अलग से फोटो लेके नहीं जाना है, इसमें आपके परीक्षा केंद्र की पूरी सूचना दी गई है, आप उसे डाउनलोड करें और उसी का एक प्रिंट आउट लेकर के जाना है, साथ में आई कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना, और कुछ भी नहीं। मोबाइल नहीं अलाउड होगा, कोई और इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं होंगे, ये जी जानना जरूरी है। जी कोई मोबाइल फोन नहीं, वो सारी चीजें आपके हॉल टिकट पे लिखी हुई है कि आपने सिर्फ अपना लिखने का पेन और पेंसिल लेके जाना है, साथ में एडमिट कार्ड लेके जाना है जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल किया गया है। तो आपका कहना है प्रसाद जी कि अपने एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ध्यान से पढ़िए और उसको फॉलो करिए। जी सर बिल्कुल, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए गए हैं कि आपको कितने बजे पहुंचने हैं, कितने बजे से परीक्षा है, परीक्षा का दिन तिथि समय सब चीज लिखा गया है, और आप परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें लेके जाएंगे वो सारी चीजें उसमें लिखी जा रही है, ताकि आपको ये पता हो कि परीक्षा के दिन आपने क्या लेके वहां पे जाना है। वैसे फिर भी मैं आपको बताऊं, आप अपना पेन पेंसिल एडमिट कार्ड और आई कार्ड लेके जाना है, इसके अलावा आप अपने साथ कुछ भी कैरी ना करें, वहां सब चीज आपको बाहर रखवा दिया जाएगा। सो डोंट कैरी एनीथिंग एक्सेप्ट एज आई वाज टेलिंग यू। टिकट अभी डाउनलोड करें तो उसको अटेंड करवाने की जरूरत है किसी और फेसबुक पे यूट्यूब में कि साइन करवाने? नहीं नहीं, यूट्यूब का कोई कार्यक्रम पे आप विश्वास ना करें, आपने यूट्यूब पे कोई कार्य नहीं देखना है, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो चैनल है उसी को देखें। इस हॉल टिकट को डाउनलोड करके कोई भी अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस गलतफहमी में ना रहे, ये लोग कोई अपना कार्यक्रम चलाने में लगे हुए हैं, ऐसी कोई भी सूचना हमने नहीं लिखी है और नहीं ये बात आपके हॉल टिकट पे भी नहीं लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और जो आपके NIS ने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, थंबनेल कुछ और लगाते हैं और अंदर जाओ तो कुछ और निकलता है, तो प्लीज़ बी केयरफुली, इन लोगों से सावधान रहिए। आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आप पढ़िए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप NIS की साइट पर जाके ले सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ गए हैं, आप अपनी प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं और सभी तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।